हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजीटेक्स पे। दोस्तों आज हम ओटीजी टेस्ट करने वाले हैं रेडमी 6A का और देखेंगे ये डिवाइस जो है ओटीजी को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। मेरे पास है हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, इन्हें जो है इस डिवाइस में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ये डिवाइस जो है सपोर्ट करता है या नहीं करता है। एट दी एंड यूएसबी हब को इस डिवाइस में कनेक्ट करेंगे और यूएसबी हब के जरिए जो कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ये तीनों डिवाइस जो है एक साथ यूएसबी हब के जरिए इस डिवाइस में कनेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इन शॉर्ट यूएसबी हब सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है पेन ड्राइव को कनेक्ट करके देख लेते हैं ये डिवाइस जो है पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। मैंने पेन ड्राइव में ओटीजी को कनेक्ट कर दिया। आप सिंपली जो है इसे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने जो है इसे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया है। इवन यहां पर पेन ड्राइव का जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगा, आप यहां पर देख पा रहे होंगे ब्लिंक कर रहा है। और अब देख लेते हैं यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सोनी यूएसबी ड्राइव बोलकर जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जो है चलते हैं सोनी यूएसबी ड्राइव में। यहाँ पर जो है पेन ड्राइव को इसने सपोर्ट कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर वीडियो जो है प्ले होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो वीडियो को प्ले कर दिया है और म्यूज़िक को जो है मैं साइलेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो जो है प्ले हो चुका है। वीडियो प्ले में जो है कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी इशू नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर कट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं कहीं पर भी कट कर रहा हूँ, ये जो है बड़े आराम से कट हो रहा है, हल्का सा बफरिंग ले रहा है, बट यहाँ पर जो है आपको वीडियो देखने में कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी इशू नहीं होगा। अब जस्ट जो हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके देख लेते हैं ये डिवाइस जो है हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स अब जस्ट जो हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके देख लेते हैं ये डिवाइस जो हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। मेरे पास है लिनोवो का 1 TB का हार्ड ड्राइव और यहाँ पर मैंने जो है हार्ड ड्राइव में ओटीजी को कनेक्ट कर दिया। आप सिंपली जो है इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है इसे अब फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर दिया है। इवन यहाँ पर हार्ड ड्राइव का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और नोटिफिकेशन पैनल पे एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो नोटिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है अनसपोर्टेड लिनोवो यूएसबी ड्राइव। तो यहाँ पर जो है ये डिवाइस हार्ड ड्राइव को सपोर्ट नहीं करता है। अब जल्द जो है कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करके देख लेते हैं ये डिवाइस जो है कीबोर्ड और माउस को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स अब जस्ट जो है कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करके देख लेते हैं ये डिवाइस जो है कीबोर्ड और माउस को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। मेरे पास है ज़ेब्रोनिक का वायरलेस कीबोर्ड और फ्रंटेक का वायरलेस माउस। हालांकि कीबोर्ड और माउस का कॉम्बिनेशन आता है वायरलेस वाले कॉम्बिनेशन में, बट यहाँ पर मेरा माउस जो है खराब हो गया है, इस वजह से मैंने जो है फ्रंटेक का अलग से माउस जो है बाय किया था। तो यहाँ पर मेरे पास अलग से जो है फ्रंटेक का माउस है। और यहाँ पर वायर कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। कुछ इस तरीके से आपको वायरलेस वाले में डोंगल देखने को मिल जाता है और आपको कीबोर्ड में जो है बैटरी लगाना पड़ता है, और वायर वाले में जो है कोई भी बैटरी नहीं रहता है, वो डायरेक्टली जो है आपके डिवाइस से जो है पावर को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर मैंने जो है कीबोर्ड को कनेक्ट करके देखा है। अब जल्दी से जो है कीबोर्ड को चेक कर लेते हैं ये जो कीबोर्ड को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर 7 टाइप करूँगा तो देखिए 7 टाइप हो रहा है, 8 टाइप करूँगा 8 टाइप हो रहा है। यहाँ पर मैं जो है क्लियर करूँगा तो यहाँ पर देखिए क्लियर भी हो रहा है। तो इसने जो है कीबोर्ड को काफ़ी ईजिली जो है सपोर्ट कर लिया है। अब जल्दी से जो है कीबोर्ड वाले जो है डोंगल को निकाल लेते हैं और यहाँ पर जो है माउस वाले डोंगल को इन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर माउस सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर जो है माउस को लगा लिया, यहाँ पर देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप देखते हैं माउस सपोर्ट किया या नहीं। तो यहाँ पर देख पाएंगे माउस जो है इसने सपोर्ट कर लिया, इवन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है माउस सपोर्ट हो गया है। तो माउस भी जो है ये सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब जल्द जो है यूएसबी हब को इसमें कनेक्ट करते हैं और यूएसबी हब में जो है माउस, कीबोर्ड और पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये तीनों जो है एक साथ इस डिवाइस में कनेक्ट होता है कि नहीं यूएसबी हब के जरिए, यानी कि यूएसबी हब जो है इस डिवाइस में सपोर्टेड है या नहीं है। तो फ्रेंड्स अब जल्द जो है यूएसबी हब को कनेक्ट कर लेते हैं इस डिवाइस में और देखते हैं यूएसबी हब ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। मैंने यूएसबी हब में जो है कीबोर्ड, माउस और पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दिया। अब सिंपली जो इससे फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और देखते हैं यहाँ पर जो है ये सपोर्ट होता है या नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर जो लाइट ब्लिंक हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और नोटिफिकेशन पैनल पे नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो एक बार जो है कीबोर्ड को चेक कर लेते हैं इसने जो है कीबोर्ड को सपोर्ट किया या नहीं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है टाइप हो रहा है, यानी कि इसने जो है कीबोर्ड को सपोर्ट कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब चेक करते हैं इसने माउस को सपोर्ट किया नहीं। तो यहाँ पर जो है इसने माउस को भी सपोर्ट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माउस जो है ईजिली कंट्रोल हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब जल्दी से जो चेक करते हैं इसने जो है पेन ड्राइव को सपोर्ट किया है नहीं। तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करूँगा तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सोनी यूएसबी ड्राइव आ चुका है, इसमें आते हैं और यहाँ पर जो है इसने पेन ड्राइव को भी सपोर्ट कर लिया। एक वीडियो को प्ले कर लेते हैं और देखते हैं वीडियो प्ले होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है वीडियो प्ले हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
यानी कि इसने जो है पेन ड्राइव को भी सपोर्ट कर लिया है, और पेन ड्राइव जैसे नॉर्मली सिंगल चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कोई भी इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये डिवाइस जो है यूएसबी हब को सपोर्ट करता है, और उसके ज़रिए आप जो है एक साथ कीबोर्ड, माउस और पेन ड्राइव को इस डिवाइस में कनेक्ट कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को रेडमी 6A का OTG टेस्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर इस फ़ोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ टेक्निकल्स के साथ।